नारगानो काराबाग में आक्रामक हुआ अजरबैजान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स है, दिखाइए जरा ये देखिए तस्वीरें। अजरबैजान ने आर्मेनिया के ठिकानों को किया तबाह। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा आप। इस सब के साथ एक और बड़ी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए राहुल। दूसरी बड़ी खबर ये देखिए, बड़ी खबर ये देखिए, रूस का यूक्रेन के बंकर पर विध्वंसक हमला। दिखाइए जरा विजुअल्स, दिखाइए जरा विजुअल। राहुल दो ब्रेकिंग दो शॉट के लिए तैयार रहिएगा। रूसी हमले में फैब 500 बम का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेनी बंकर के अंदर अमेरिकी हॉजियर पर हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए यहां पर ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा हमारे दर्शकों को। एक तरफ अर्मेनिया अजरबैजान और दूसरी तरफ जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये देखिए, दूसरी तरफ आपके सामने रशिया का युद्ध। चलिए यहां पर हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं और हमारे खास मेहमान हमारे सहयोगी हैं मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जनरल शंकर प्रसाद सर, आपका स्वागत है सर। आई होप आपका विदेश का जो दौरा था लंदन का, इट वाज गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर अस सर। मेरे साथ सीधे दिखाइए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं जनरल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ एंबेसडर पिनाक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले राहुल यही वाली वॉल लीजिए, आर्मेनिया अजरबैजान की ब्रेकिंग और बाद में रशिया वाली ब्रेकिंग भी लीजिएगा, सीधे मैं चलूंगा। सर तीन वॉर फ्रंट एक्टिव हैं, वी कैन नॉट डिनाई इट, हर एक में रशिया के फुटप्रिंट्स हैं। अगर मैं हिस्ट्री में देखूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ा था, एक साल हो चुका है एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड ज्वाइनिंग इन। क्या कहेंगे आप इस पर? निशांत आपने जो मिसाल दी वो सही है, लेकिन इसको अभी पुरानी वर्ल्ड वॉर के साथ मत जोड़िए। आज की दुनिया काफी बदल चुकी है, नो डाउट रशिया और यूक्रेन का बड़ा भारी युद्ध चल रहा है, 18-19 महीने हो गए, बहुत तबाही हो रही है, वॉर ऑफ अट्रिशन कंटिन्यू कर रहा है। जिस तरीके से आपने बमबारी आज भी दिखाई उसे दिख रहा है किस तरीके से नुकसान हो रहा है यूक्रेन के अंदर, और कुछ थोड़ा बहुत नुकसान रशियन फोर्सेज और रशिया के अंदर भी हुआ है। दूसरा अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हमने 3-4 साल पहले आप ही के संग डिस्कस की थी, वहाँ भी हरकत चलती रहती है और सोमालिया में तो कई दफ़ा हो चुका है इस तरह से। देखिए ये सब इंडिपेंडेंट हैं, इसमें हालांकि रशियन हैंड अवश्य है, रशियन हैंड तीनों में है, इसमें मानने इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसको ये मत समझिए कि दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर। हर देश में आपने G20 में देखा कि किस तरीके से लोग पीस की बात करते हैं, लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोग एक एक फैमिली, वर्ल्ड इज ए फैमिली की बात करते हैं, लेकिन इस किस्म की लड़ाइयाँ कंटिन्यूसली चलती चली जा रही हैं। ये तो एक बड़ी आपने एक आज निकाल दी खबर कि तीन जगह लड़ाई कंटिन्यूसली चल रही है, ऐसा पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है और आई थिंक विद कॉन्फिडेंस आई कैन टेल यू कि दिस इज नॉट लीडिंग टुवर्ड द वर्ल्ड वॉर, बट आई क्वालिफाई बाय सेइंग कि दुनिया इसको सपोर्ट क्यों कर रही है। इतने बड़े बड़े नेशन दिल्ली में आके वापस आपके पास आ रहा हूं। आई एम कमिंग बैक टू यू सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम कमिंग बैक टू यू।